हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग 11th क्लास का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 12th, 10th, 9th ये सब कंटिन्यू चल ही रहा है मैथमेटिक्स का। 11th का सीरीज भी आज कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो आइए जुड़ते हैं अंसारी मैथ के साथ और देखिए क्या होने वाला है। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 11th में, जो कि हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पहला चैप्टर हेडलाइन लगाइए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले समझते हैं है क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें, देखिए जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, यानी कोई भी नंबर जो है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो, कोई भी नंबर हो वो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, जो कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अ नंबर, थोड़ा सा समझते ना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बस थोड़ा सा पहले समझते हैं उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है ना। क्या है कि एक नंबर क्या हो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे समझते हैं क्या है। तो यहां पे देखिए, जैसे कि जेड जो होता है इसका सिंबल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल हम लोग जेड से लिखते हैं। एक्स को बोलते हैं रियल पार्ट, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जेड बराबर हम लिखें एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स को जो है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और वाई जो कहलाता है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको फिर बाद में समझेंगे थोड़ा सा आगे जाके। बस पहले सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो क्या हो, एक नंबर क्या हो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जेड से, उसका सिंबल है जेड। जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स क्या है आपका, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई में एक्स जो है रियल पार्ट है, वाई कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए, फिर अभी डिस्क्राइब करते और भी अच्छे से। तो इतना उतारिए फटाफट आप, ठीक है, देखिए आगे चले, इतना फटाफट बताइए, देखिए आगे स्टडी करते इसके बारे में अच्छे से। जैसे अभी हम बोले कि z बराबर जो होता है वो x प्लस आई वाई होता है, यहां हम अच्छे से बता भी दिए आपको कि x क्या है यहाँ पे रियल पार्ट, y जो है अपने पास इमेजिनरी पार्ट। तो समझने वाली बात है कि ये i क्या है, ये तो समझना पड़ेगा ना। कोई भी नंबर देखते थे क्या, 2x प्लस 3 इस तरह हो सकता था, 2 प्लस 3 ये हो सकता है ना, ये i क्यों आ गया, तो i है क्या, तो i के बारे में समझते हैं। तो i का जो है ना एक इमेजिनरी नंबर है, जिसका जो मतलब डिस्कवर है आविष्कार मिस्टर यूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, मैथमेटिशियन थे उन्होंने किया था। उन्होंने एक फॉर्मूला का आविष्कार किया था i स्क्वायर बराबर माइनस 1। क्यों इसका डिस्कवर हुआ, क्यों, क्या रीजन था, क्यों जरूरत पड़ा, तो इसका रीजन ये था ना कि क्लास 10 तक में आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, पढ़ा है ना, इज नॉट डिफाइंड, इतना तो पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। क्लास 10 तक में मान लीजिए कि आपका रूट माइनस 27 आ गया, क्या इसका कोई सोल्यूशन है, नहीं, आप डायरेक्ट लिखते होंगे नो सोल्यूशन, ठीक है। इसी चीज का स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने के लिए मिस्टर यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 एक नंबर का डिस्कवर किया था, जिसके बाद हमको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का सॉल्यूशन मिल गया था, ठीक है। तो यही रीजन था खोजने का, समझ गए। पहला तो हम समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, फिर हम इसमें देखें कि आई क्या है। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, जिसका डिस्कवर मिस्टर यूलर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं था, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऐसा सिंपल लेते हैं नेगेटिव नंबर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो यही डिफाइन करने के लिए इसका आविष्कार किया। तो इतना फटाफट लिखिए, इतना नॉलेज होना चाहिए, आपसे हम बात करते फिर से, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल के थ्रू इस इसको बिटाए, जैसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे क्लास 10 तक में आप मान लीजिए कि निकाले हमें रूट माइनस 31, तो आप लिखते होंगे क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्लास 10 तक आपका 10 क्लास तक डिफाइन नहीं है, लेकिन 11th क्लास में ये क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। क्यों, कैसे, तो देखते हैं फटाफट से। तो देखिए नो सॉल्यूशन है क्लास 10 तक, लेकिन 11th क्लास में इसका सॉल्यूशन है। जैसे अभी हम बोले ना कि i स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस 1, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 31
ठीक है। उसके बाद इसको माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन की जगह आई स्क्वायर पुट कर देंगे तो इंटू 31, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 31 और आई स्क्वायर का आई आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आया निकल करके, लेकिन क्लास टेंथ में इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको हम, जैसे मान लीजिए -11, क्लास टेंथ तक में नो सॉल्यूशन, लेकिन 11 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसको लिख सकते हैं -1 × 11, तो आई स्क्वायर इंटू 11 यानी √11 आई, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये सब चीज लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, फटाफट से लिखिए इसको, ठीक है। अब चले आगे, इतना तो मोटा मोटी नॉलेज हो गया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसमें टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं, आई क्या है, ठीक है, तो ये सब नॉलेज हो गया लगभग। अब हम लोग कुछ इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं पहला, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, अभी तक तो हम लोग पूरा नॉलेज दे दिया आपको मोटा मोटी ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है नहीं है, ठीक है, सब कुछ। तो अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ आई के बारे में। एक बार अगर हम पावर ऑफ आई के बारे में समझ लेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, समझने में। कैसे समझिए, देखिए तो कुछ कुछ पावर्स, पावर्स का मतलब समझ ही रहे ना, किसी को एक एक्स है जिसपे पावर क्या है एन, जिसको क्या बोलते हैं पावर, ठीक है, जिसको पावर बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वही है। और ये क्या है आपका, नॉर्मली होता है वेरिएबल, हो वेरिएबल है, ठीक है, तो ये चीज है पावर ऑफ आई के बारे में। तो सबसे पहले आई के पावर वन के बारे में बात करते हैं कि ये कितना होगा। तो किसी भी पावर वन का वैल्यू वही होता है ना, आई आ जाएगा, किसी पे भी पावर वन है मतलब वही आने वाला है ना। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये एक नंबर हो गया। सेकंड, आई स्क्वायर अभी सीखे थे तुरंत ही क्या होता है माइनस वन, तो ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं आई क्यूब के बारे में, तो ये क्या होगा, ये तो हमको नहीं पता है क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि आई क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ना आई स्क्वायर इंटू आई। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, यानी माइनस वन इंटू आई यानी कि माइनस आई, यानी हमको यहां से मिल गया कि आई क्यूब बराबर क्या होने वाला है माइनस आई। ये सब याद रखिएगा जो भी डब्बा बना रहे हैं। तो आई पे पावर वन, आई टू, आई थ्री, अब बात करते हैं आई पे पावर फोर के बारे में, तो इसको कैसे बना सकते हैं, इसका क्या होगा वैल्यू। देखिए आई पे पावर फोर को लिख सकते हैं आई पे पावर टू इंटू आई पे पावर टू, बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है। अब देखिए आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, ये भी माइनस वन, ये क्या वन बना, यानी यहां से हमको फिर मिल गया कि आई पे पावर फोर जो होता है क्या होता है वन। तो ये चार अलग अलग वैल्यू आया है। पहला क्या है आई पे पावर वन जो होता है आई स्क्वायर माइनस वन, आई पे पावर क्यूब जो होता है माइनस आई होता है, आई पे पावर फोर क्या होता है वन होता है। तो ये एग्जैक्टली चार डाटा आपको याद रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ सीरियल वाइज लिख देते हैं एक नंबर करके कि आई पे पावर वन क्या है आई, सेकंड नंबर आई स्क्वायर क्या है माइनस वन, थर्ड में क्या है आई क्यूब क्या है माइनस आई, चार नंबर क्या है आई पे पावर फोर कितना है वन। इसको फटाफट से लिखिए। अब इस पर हम लोग एक पैटर्न बनाने वाले हैं कि आई पे पावर समथिंग कितनों बड़ा पावर जो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक पैटर्न बनेगा। पहले इसको फटाफट से उतारिए आप, ठीक है, तो उतार लिए। ये चारों वैल्यू आपको एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूजेस है, ये चारों ही आपका मेन बेस बनने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी तो हो ही जाएगा। देखिए एक पैटर्न पकड़ेंगे फटाफट से मिटाइए, ठीक है ना। देखिए एक पैटर्न बनाएंगे फटाफट से, देखिए आई पे पावर, जैसे अभी हम लोग बात किए कि आई पे पावर फोर कितना था वन था, तो देखिए यहां पे ये क्या एक चीज याद रखिएगा, आई पे पावर फोर एन के टर्म में कुछ भी होगा ना उसका वैल्यू वन होगा, इस चीज को दिमाग में सेट कीजिए। और यहां पे एन जो है आपका नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है, याद रहेगा एन क्या है नेचुरल नंबर है, यानी कि आई पे पावर फोर एन के टर्म में कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा वन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आई पे पावर 16 तो कितना आएगा, तो ये क्या है आई पे पावर 4 इंटू 4 के टर्म में है तो इसका वैल्यू कितना आएगा वन, यानी आई पे पावर किस टर्म में, आई पे पावर 4 एन के टर्म में, एन बराबर 4 है तो वैल्यू कितना आएगा वन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई पे पावर मान लीजिए 24 है तो इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 6, 4 एन के टर्म में एन बराबर 6 है तो वैल्यू कितना है वन है। तो यही चीज हम आपको समझाने ही कर रहे हैं
पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहां से पढ़ा आई पे पावर 1, 2, 3, 4, तो एक पैटर्न पकड़े कि आई पे पावर 4 एन क्या 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उस तरह से सबको सॉल्व करके देखें तो पता नहीं 1 ही आ रहा है। इसको आप मैनुअली बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज फिर से आप आगे एक्सपेंड करने का सॉल्व करते हैं, कितना इसको डायरेक्ट बराबर से। तो एक और चीज हमको क्या मिला कि i के पावर 4 n के टर्म में कुछ भी होगा तो उसका मीन 1, इसको उतारिए प्रॉपर से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब देखें बेटा इसको, देखो ये जितने भी पावर्स के बारे में आई है ना, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं कि i के पावर 4 n प्लस 1 क्या होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। देखिए तो i के पावर 4 n * i के पावर 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं 1 होता है, i पे पावर 1 i ही रहेगा, इसका वैल्यू कितना है i, यानी कि सॉल्व करने के बाद आ गया कि i पे पावर 4n प्लस 1 के टर्म में कुछ भी होगा तो उसका आंसर क्या आएगा i। देखिए एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको हम, जैसे कि i पे पावर 21 कितना होगा, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, i पे पावर 4 * 5 प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं i पे पावर 4 * 5 * i पे पावर 1, तो इसका 4n के टर्म में हो तो 1 i पे पावर 1 गुणा करेंगे i आंसर, यानी कि i पे पावर 21 कितना है i आएगा। समझ रहे हैं एकदम इजीली। तो यहां से एक और डाटा निकला क्या 6 नंबर में कि i पे पावर 4n प्लस 1 के टर्म में हो तो उसका वैल्यू कितना आता है i। एक पैटर्न एकदम प्रॉफिट से याद हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी फटाफट से लिखिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है, वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर एक पैटर्न समझते हैं कि i पे पावर 4 n प्लस 2 होगा तो क्या होगा वैल्यू, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, i पे पावर 4 n * i पे पावर 2, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो i पे पावर 4 1 होगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1, क्या होगा -1, यानी कि यहां से मेरा क्या निकला कि i पे पावर 4 n प्लस 2 के टर्म में होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा -1। समझ रहे हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे i का पावर 30 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना i पे पावर 4 * 7 प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 * 7 * i का स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगा 1, इसका वैल्यू बनेगा -1, यानी कि -1 आंसर आया। तो यहां से एक और पैटर्न क्या पकड़ा है हमारा, यहां लिखते हैं इसको के पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर उसको हम लिखते हैं, ठीक उतारे, ठीक है, यहां लिखते हैं फटाफट से कि i पे पावर 4 n प्लस 2 के टर्म में हो कोई चीज तो उसका आंसर आता है -1। ये सब आपको याद नहीं करना है, बस ये पैटर्न समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब करेंगे ना आप, करेंगे ना i पे पावर के क्वेश्चन सब, जैसे ये एग्जांपल कर रहे हैं ना, आपको खुद ही क्लियर हो रहा है। आपको बस यही चार जो है ना दिमाग पे रखना है, और ये कि i पे पावर 4 n कितना होता है 1, बाकी सब चीज याद नहीं करना है, बस हम आपको सिखा रहे हैं अभी, ठीक है ना। बेटा इसको एक और लास्ट देखेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग अदर चीजों कि अब लास्टली हम लोग देखने वाले हैं कि i पे पावर 4 n प्लस 3 क्या हो। सेम चीज i पे पावर 4 n into i का क्यूबिक, 1 हो जाएगा, i क्यूबिक कितना होता है आपका माइनस आई, तो यह हो जाएगा आपका माइनस आई, क्या आया माइनस आई आया। तो यहां से देख रहे हैं कि i पे पावर 4 n प्लस 3 होगा तो उसका क्या आएगा आपका माइनस आई, सही है। देखिए इसको फटाफट से ब्रैकेट में करते हैं, इस पे भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। देखिए i पे पावर मान लीजिए कि 23 क्या होगा, तो i पे पावर 4 * 5 प्लस 3, तो i पे पावर 4 * 5 * i का क्यूबिक, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है माइनस आई, तो आंसर कितना आएगा माइनस आई, समझ गए। तो यहां देखिए इसको फटाफट उतारिए, आप हमको बताते हैं कि क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है फटाफट से, ठीक है। देखिए इसको मिटाएं, समझिए याद क्या करना है। तो ये चार वैल्यू आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन करके फटाफट से लिख लीजिए कौन से चार वैल्यूज, ठीक है। पहला है कि i पे पावर 1 क्या होता है, तो i, i स्क्वायर बता चुके हैं -1, i क्यूब क्या होता है तो -i, कैसे कैसे निकाले हैं सॉल्व करा चुके हैं आप देख लीजिएगा, i पे पावर 4 क्या होता है तो 1 होता है, बस ये चार याद रखिए ना, ये चार याद रखेंगे आपका दिमाग में सब कुछ। इसमें भी रटने की क्या जरूरत है, पूरा पता है ना, i पे पावर 1 i होगा, i स्क्वायर -1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -i, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, सब कुछ तो पता ही है ना।
और एक पैटर्न क्या कि आई पे पावर 4 एन के टर्म में तो उसका वैल्यू 1 होता है। बस इतना याद रखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, अगर इन चीजों को आप गौर से देखेंगे ना, सही में माइंड लगाएंगे ना, फोकस करने की कोशिश करेंगे दिमाग से, तो कुछ मिलेगा। देखिए क्या मिलता है, देखिए ये तो वन बना ना, यहां से फोकस किया जा रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए तो i पे पावर 1 कितना होता है, i, i स्क्वायर क्या होता है -1, i क्यूब क्या होता है -i। समझ रहे हैं पैटर्न, यही चीज आ रहा है उठ करके, क्लियरली देखिए एक बार रिपीट कराते हैं आपको अच्छे से। हम यहां देखना है, फोकस करना है, i पे पावर 1 क्या होता है i, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, तो i स्क्वायर क्या होता है -1, i क्यूब क्या होता है, यानी डिपेंड किस पे कर रहा है क्वेश्चन, जो है आपका आंसर डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, ये फोकस करने वाली बात है आपके लिए। ठीक है ना, कि आप जब क्वेश्चंस करें, जेई मेंस में करें या आपके बोर्ड्स में करें, तो आप फोकस किन चीज पे करेंगे, देखिए फोकस किस चीज पे करेंगे फटाफट देखिए। तो यही लास्ट वाले फोकस करेंगे आप, इस पे और इस पे फोकस करेंगे आप, इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। 4n वाले पे तो पता ही है कि 1 होता है ना, तो बाद ही वाला फोकस करेंगे। ठीक है, इसको फटाफट से सारा उतारिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पावर ऑफ आई जो होता है ना, वो n हो जाता है हमारा। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं फटाफट से, इसको मिट लिख लीजिए। तो देखिए मिटाए सबको, ये सब आप याद रखिए अच्छे से। फटाफट से हम लोग कैसे करते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक हम बस आई के पावर पे आपको हम एक क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, उस पर लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हम 3-4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फटाफट से मान लीजिए आई पे पावर 19 क्या होगा, तो कैसे कर सकते हैं, आई पे पावर 4 × 4 + 3 लिख सकते हैं, आई पे पावर 4 × 4 × i के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए बेस में पावर जुड़ जाएगा ना, देखिए इसका वैल्यू कितना 1, i क्यूब कितना होता है -i, यानी -i आंसर हुआ। देखिए फटाफट से, तो पॉज करके आप खुद भी बना सकते हैं, इसको बनाइए i पे पावर मान लीजिए 37 क्या होगा, इसको करिए फटाफट से, उसको ट्राई कीजिए फटाफट से, कितना आंसर है बताइए, टाइम देते हैं आपको। देखिए सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 के टर्म में जाइए तो कितना होगा, 9 × 36 + 1 होगा ना 37, इसको लिख सकते हैं ना 4 × 9 × i पावर 1, तो ये हो जाएगा 1, वो हो जाएगा i, बराबर क्या हो जाएगा i। क्या इसको शॉर्टली आंसर यहीं पे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अभी क्यों फोकस करवाए थे हम, क्या बोले थे कि आपको फोकस किस चीज पे करना है, इस चीज पे, तो i पे पावर 1 क्या होता है i, देखिए यहीं पे तो आंसर बता सकते हैं, इतना अगर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, यही है सॉल्यूशन, मैथ्स पढ़ने का रीजन यही है, मैथ्स पढ़ना ही चाहिए। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे इसको, क्या दोनों ही मिटाते हैं, लिखिए बराबर से मिटाए, 3-4 2 क्वेश्चन और लिखे अच्छे से पहले पहले। ठीक है, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ आई पे पावर 71, आई पे पावर दिया हुआ है आपको 32, क्या हुआ, सबसे पहले इसको चलिए कितना का पढ़ा है, 4 में चलिए, 4 में कितना जाएगा, तो नहीं होता तो भाग लगा दीजिए, कितना से जा सकते हैं, 4 × 4 = 3 + 1 = 7, यानी 17 बार में ना, 7 × 28 = 39, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 17 × 68 + 3 बचेगा। ठीक है, देखिए तो i पे पावर 4 × 17 × i पे पावर 3, अगर डायरेक्ट आंसर बात करें तो यही डील हो गया ना, कि i क्यूब कितना होने वाला है -i, आंसर तो यही पता चल गया, लेकिन सॉल्व करके दिखाते हैं, इसका 1 i क्यूब हो गया -i, बस 4n के टर्म में तो लिए उसका वैल्यू 1, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए यहां तो डायरेक्ट ही आंसर है, 8 × 32 क्या आएगा, 1 आंसर, बस डायरेक्ट है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप कुछ भी उठा के खुद से कर सकते हैं, होमवर्क में डालते हैं खुद से करिएगा, कितना चल रहा है 2021 ना, बनाइए आई पेपर 2020 बनाइए 505, ये तीनों होमवर्क में डाल लीजिए, कीजिएगा तो आंसर कितना कितना आता है। ठीक है, तो बस यही है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो जरा बना रहा हूँ, इसलिए नेक्स्ट जो सीरीज आएगा ना, मतलब उसमें मतलब के वो मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा आई के पावर पे क्वेश्चन लेकर सीरीज लेकर चले आएंगे। ठीक है ना, तो वो उस पर हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन बनाएंगे आई पे पावर पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यहाँ हमारा जो था पूरा आई का पावर पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्या है नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, एक बार नहीं दो बार तीन बार में दिमाग में क्लियरली सेटल होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, मतलब पूरा पहले क्वेश्चन ही करेंगे आई के पावर, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो जुड़ जाइए इंसानी मैथ के साथ, इसी तरह से 11th का सीरीज हमारा आज स्टार्ट है, वो चलता ही रहेगा कंटिन्यू। ठीक है ना, 12th का सीरीज भी है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।